बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हो दुनिया व आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो रात से इधर बारिश हो रही है, तो रात में तकरीबन इशा के वक्त इधर आया हूँ अपने गांव में। तो अभी भी हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, तो मेरा कुछ मूड किया है कि बाहर का जो माहौल है गाँव का वो देखा जाए। काफ़ी खूबसूरत माहौल है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। तकरीबन मुझे आधा घंटा हो गया बाहर निकले हुए को, और साथ एक दोस्त था वो वापस चले गए हैं, और अपने दोस्तों के साथ भी इस माहौल को शेयर करने का मूड किया है। तो काफ़ी मज़े का माहौल होता है गांव का जब ये हल्की हल्की सी बूंदाबारी सी शुरू हो जाए। तो शहरों में तो निकलना मुश्किल होता है, क्यों, पानी काफ़ी खड़ा होता है। थोड़ी सी भी बारिश आ जाए तो सड़कें जो होती हैं उनके जो वो पक्की होती हैं, तो उसकी वजह से पानी खड़ा हो जाता है और चलना काफ़ी मुश्किल होता है। तो लेकिन इधर बिल्कुल साफ़ सुथरा माहौल है। तो ये अपनी गंदम है माशाल्लाह, वो अगला विग है गंदम का। तो बस गांव में इन बारिश के माहौल में इन जगहों पे चलना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं काफ़ी मुश्किल से चल के आया हूँ, क्यों, ये गीले हो रहे, मिट्टी वाला बनना है ये, तो पाँव हल्का हल्का सा फिसलता है इस पर, तो इसलिए थोड़ा सा डर भी लगता है। तो अभी हम वापस चलते हैं, ये देखेंगे फिसलन बनी हुई है काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की। तो बस ये थोड़ा सा क्रॉस करना मुश्किल होता है। तो आगे जो जगह है वो हमारी बिल्कुल साफ़ है चलने के लिए। ये गांव की सड़कें, खुश्क माहौल है, बारिश तो काफ़ी आती है लेकिन इधर पानी खड़े होने का कोई चांस नहीं है, क्यों, जो ज़मीनें आसपास वो नीची हैं थोड़ी सी, इसलिए पानी रुकता ही नहीं है। तो वैसे भी ये कुछ ईंटों की सड़क है जो बनाई हुई है, और ये जज़्ब कर लेती है पानी को। ये देखें, ये बारिश काफ़ी तेज़ हो चुकी है। अभी मैंने अभी इरादा किया था बाइक जाने का, लेकिन अचानक से बारिश तेज़ हुई है तो इसलिए अभी रुक गया हूँ। देखते हैं, थोड़ी सी देर इंतज़ार करते हैं, क्योंकि कभी शुरू हो जाती है कभी रुक जाती है, तो जब रुकेगी फिर बाहर थोड़ा सा काम है उसके लिए मैंने बाइक जाना है। और ये बाहरी गली की सूरत हाल है, ये फिश फ्राई हो रही है हमारी ठंडे मौसम में। ये देखें, ये मसाला लगा के रखा हुआ है इसको काफ़ी टाइम से, सुबह से ठंडा मौसम है तो ठंडे मौसम में कुछ ना कुछ खाने को दिल करता रहता है। तो हमारा ये आज तो फिश तो हमारी फ्रिज में पड़ी रहती है, इकट्ठी ला के रखते हैं, तो ये मूड बना है तो उसको निकाल लिया, और इसको काफ़ी टाइम से मैंने मैरिनेट करने के लिए रखा हुआ था। ये इसमें हमारे बकरे के पाए पकाने के लिए रखे हुए हैं। सुबह से मैंने सिर्फ हल्का सा नाश्ता किया हुआ है, तो अभी हमने खाना है, सिर्फ ये तैयारी करके उसके बाद खाना शुरू करेंगे। ये तैयार हो चुके हैं पाए हैं, दही का रहता है और साथ ये फिश है। दोपहर के वक्त हमने खाना खाया है, तो मौसम कुछ ठंडा होने की वजह से एक तो भूख ज़्यादा लगती है, एक नींद भी ज़्यादा आती है। तो उस वक़्त हम खाना खाने के बाद सो चुके थे, तो अभी मगरिब का टाइम हो रहा है, तो अभी आँख खुली है, तो
भूख वगैरह तो अब नहीं है। तो बस वीडियो को, जो आज का व्लॉग हमारा शुरू हो रहा है, इसको यहीं ख़त्म करते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि हमारा व्लॉग कैसा लगा आज का, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और अपने भाई को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।